बालटाल बेस कैंप में बादल फटने की वजह से 10 अफराद की मौत, 40 के करीब लापता। इस वक्त की एक बड़ी और दुख भरी खबर जो है जिला गांधरबल के बालटाल अमरनाथ बेस कैंप से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अचानक बादल फटने की वजह से अभी तक तकरीबन 10 लोगों की मौत वाकया हुई है। आपको बता दें कि 2 दर्जन से ज़्यादा टेंट और 3 लंगर भी इस फ्लड में जो है वो बह गए हैं। हुकाम के मुताबिक डेथ टॉल जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी तक जो है 10 लोगों की मौत की खबर जो है वो निकल कर सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि SDRF और NDRF के साथ साथ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस भी मौके वारदात पर मौजूद हैं और लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ताकि जो लोग भी इस फ्लड की जद में आए हैं उन्हें जो है वो निकाला जाए। तकरीबन 5:30 पर जो है बादल फटने का ये वाकया बालटाल बेस कैंप में जो है वो सामने आया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है बादल फटने की वजह से जो है यहाँ पर यात्री, जितने भी यात्री यहाँ पर रह रहे थे, उन्हें किस किस्म की परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और अभी तक जो बताया जा रहा है कि 40 के करीब यात्री जो है अभी तक लापता है, क्योंकि अचानक बादल फटने की वजह से यहाँ पर लोग टेंट्स में जो है वो काफी यात्री रह रहे थे, जिनकी वजह से तकरीबन 10 लोगों की जो है अभी मौत की खबर बताई जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेज और NDRF SDRF की टीमें भी यहाँ पर मौके वारदात पर जो है वो मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। हालांकि इब्तदाई मौके पर जो है IGP कश्मीर विजय कुमार ने ट्वीट के जरिए बताया था कि 2 लोगों की अभी तक जो है वो मौत हुई है, लेकिन अभी जो है ये टॉल जो है बढ़कर 10 हो चुका है। और अभी भी 38 यानी हुकाम की जानिब से अभी भी ये बताया जा रहा है कि 40 के करीब लोग जो है वो लापता है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।